My homework. Welcome to my YouTube channel Entertainment with Harsh. आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. क्या है टॉपिक मैं आपको बताता हूँ. अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है या तो आपको कोई टाइम लिमिट है उसमें आपको काम खत्म करना है, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक दो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप आराम से दोनों काम खत्म कर सकते हैं. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो फुल देखिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे कि वीडियो कैसा था. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, अगर आपको किसी ने मतलब आपको दिन में 10 काम करने हैं तो आपको काम में मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि आपको कोई मतलब आपके घर में केक बना है और आपको वह खाना है. और अगर आपको मतलब जो काम है 10 उस पे आपको ध्यान ही नहीं जा रहा है, काम करने बैठे वो उसकी याद आती है, इसीलिए काम ठीक से हो ही नहीं रहा है. जी हाँ, इसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ. आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए या तो पेंसिल, उस पे सबसे पहले जो है आपके काम है वो आपके दिमाग में रख लीजिए. मिशन 1, मिशन 2, ऐसे मैंने जैसे बोला था 10 काम, आपकी कितने भी हो सकते हैं. मैंने एग्जाम्पल के लिए 10 काम बोले हैं, मिशन 1 से मिशन 10, जैसे कि मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, मिशन 4, मिशन 5, ऐसे पूरे 10 तक लिख लीजिए. लिखने के बाद उसके बाद जो काम है आप उसको लिख लीजिए और उसके बाद 5 एम्प्टी स्टार्स ड्रॉ कीजिए और उसके बाद जो है स्कोर लिख लीजिए ऊपर. आपको क्या करना है, जो भी काम है उसको मिशन मतलब गेम में कन्वर्ट करना है. जैसे कि एक काम किया, उसके मतलब उसके जो स्कोर्स है, जो भी मतलब जो भी काम बोला होगा आदमी औरत जो भी इंसान, उससे पूछिए कि मैंने कैसा किया, रिजल्ट क्या था, और वो यहाँ पे लिख लीजिए. और अगर जो भी मतलब स्टार्स देने के लिए बोलिए, वो जो स्टार मतलब एक स्टार बोलेगा तो आपको एक स्टार ही यहाँ पे मार्क करना है. और लास्ट में जैसे कि 10 काम कर लिए मैंने, अगर कोई टेस्ट देना हो आपको, जैसे कि 10 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें मुझे 8 मार्क्स मिले, तो मुझे डिवाइड करना है. तो सिंपल है, 10 मार्क्स में 8 मतलब 4 स्टार्स, और मुझे 8 मार्क्स यानी स्कोर्स में नोट कर लेने हैं. और जब पूरा हो जाएगा तो सब टोटल करना है और जो कि मतलब कुछ प्राइस रखना है जिसकी वजह से हम वो करें. और एक बात, अगर मैंने जो बोला है ये ट्रिक, ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना होगा, जिस वजह से आप कंट्रोलिंग सीख जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा और आप एक नया ट्रिक भी सीख जाएंगे. इसके बहुत सारे फायदे हैं. और चलिए दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं. दूसरा ट्रिक है, अगर आपके पास टाइम लिमिट है उसमें आपको काम करना है, तो चलिए कैसे करते हैं चलिए देखते हैं. आपको क्या करना है, जो भी आप काम करने वाले हैं इसमें आपको जस्ट आपके दिमाग में ये टाइम सोचना है. जैसे कि मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, एक आंसर है जो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिए, मेरे पास 2 मिनट है, आप दिमाग में सोच लीजिए मेरे पास 2 मिनट है, इसमें मैं ये आंसर बाय हर्ट करके सुनाऊंगा आपको, या तो मैं खुद ही बाय हर्ट करके लिखूंगा. अगर आप ऐसा करेंगे और आपको मतलब आपको पूरी कोशिश करनी है उस टाइम में उसको याद करने की, इस वजह से आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, प्लस आप टाइम की वजह से पंक्चुअल भी हो जाएंगे. इसके बहुत सारे फायदे हैं. तो आज के सिर्फ मैंने 2 फायदे बताए हैं. जैसे कि आप करते जाएंगे ये ट्रिक्स, आपको और फायदे पता चल जाएंगे, और आप जरूर दोनों ट्रिक्स को ट्राई कीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों को. और हमारे चैनल अगर भी कैसा था, अगर इसमें कोई और पॉइंट्स ऐड करने हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं ऐड करना चाहते हैं. तो सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आता है उसको क्लिक कर दीजिए. अगर सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करना है और हमारा मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.